नमस्कार मित्रों, भक्ति की शक्ति के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्त और ईश्वर के प्रेम की एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आप लोगों का ईश्वर के प्रति प्रेम और बढ़ जाएगा। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। जिला कोल्हापुर शिरगांव के नारायण दास अठावले भगवान विठल के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान विठल श्री कृष्ण जी का रूप हैं, जो महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं। नारायण दास प्रेम भरे हृदय से पूरे दिन रात विठल जी की सेवा में लगे रहते थे। प्रातःकाल उन्हें बड़ी प्रेम से उठाना, स्नान आदि करवाकर वह उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ अपने हाथों से भोग लगाते थे और उसके बाद वे उनके भजन कीर्तन में लीन हो जाते और रात्रि में भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण होकर वे उनको सुलाकर ही स्वयं सोते थे। यह कार्य उनकी दिनचर्या बन गया था। ऐसा प्रतिदिन करते करते उनका समय कब व्यतीत हो जाता, उन्हें स्वयं इस बात का ज्ञान ही नहीं होता था। उन्होंने विठल जी की सेवा में स्वयं को लीन कर लिया था। इसके अलावा उन्हें और कुछ ज्ञात नहीं था। वह जहां भी जाते वही विठल जी को अपने संग ले जाते। हर क्षण उन्हें सिर्फ विठल जी का ध्यान रहता था। वह सिर्फ उन्हीं की बात किया करते और विठल जी भी नारायण दास की सेवा से भाव से अति प्रसन्न थे। वो कहते हैं ना कि भगवान को भक्त का सिर्फ प्रेम भरा हृदय चाहिए और कुछ भी नहीं। यह बात इस कहानी से सिद्ध होती है कि भगवान को सिर्फ प्रेम और भक्ति की शक्ति से ही वश में किया जा सकता है। एक बार नारायण दास ट्रेन से मथुरा यात्रा कर रहे थे। वह अपने साथ विठल जी को भी ले गए और उन्होंने अपनी साथ वाली सीट पर उन्हें विराजमान कर उनको प्रणाम किया। उस ट्रेन में अन्य और भी संत थे। अब नारायण दास ने अन्य संतों से मिलकर प्रभु की भक्ति में ओतप्रोत होकर प्रभु भजन और कीर्तन आरंभ कर दिया। प्रभु भजन और कीर्तन की समाप्ति के पश्चात वह सभी संत प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो गए और कब मथुरा आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। सभी संत और नारायण दास एक साथ ट्रेन से नीचे उतरकर स्टेशन से बाहर आ गए और आश्रम पहुंच गए। आश्रम में पहुंचकर जब नारायण दास को भोजन का समय हुआ तो नारायण दास ने सोचा कि विठल जी के भोग का भी तो समय हो गया है, बिना विठल जी को भोग लगाए मैं भोजन तो ग्रहण नहीं कर सकता। और वह विठल जी की भोग लगाने की तैयारियां करने लगे। किंतु यह क्या, जब वह भोग लगाने के लिए विठल जी को अपने बक्से से बाहर निकालने लगे तो विठल जी तो वहां विराजमान थे ही नहीं। यह दृश्य देखकर नारायण दास को बहुत आघत लगा। वह अपने चारों तरफ विठल जी को ढूंढने लगे किंतु ठाकुर जी नहीं मिले। अब नारायण दास बहुत निराश हो गए। अब उन्होंने अपनी व्यथा अन्य संतों से कही तो सभी संत मिलकर पूरे आश्रम में विठल जी को ढूंढने लगे किंतु विठल जी कहीं नहीं मिले। अब नारायण दास और ज्यादा निराश हो गए। वह सोचने लगे कि बिना विठल जी के मैं क्या करूंगा। यह बात सोचते सोचते उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। यह देख अन्य संत नारायण दास को समझाने लगे कि कोई बात नहीं, यदि आपके विठल जी नहीं मिल रहे तो हम आपको दूसरे विठल जी ला के देंगे, किंतु आप अपना मन दुखी मत करिए। किंतु नारायण दास नहीं माने। वह लगातार रोए जा रहे थे और कह रहे थे कि मुझे तो अपने वही विठल जी चाहिए जिनसे मैं रोज लाड़ लड़ाता था, उनके अलावा अन्य कोई नहीं चाहिए। उन्होंने अन्न और जल भी ग्रहण नहीं किया। ऐसा करते करते 4 से 5 घंटे बीत गए। इधर विठल जी कहीं मिल ही नहीं रहे थे, उधर नारायण दास की तबीयत रो रो कर खराब होने लगी थी। फिर अचानक एकाएक उन्हें याद आया कि आखिरी बार उन्होंने विठल जी को ट्रेन में बिठाया था और
प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो वो कब बगैर विठल जी को उतारे ट्रेन से खुद उतर आश्रम पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। यह बात सुनते ही समस्त संतों ने नारायण दास से कहा कि अब तो 4 से 5 घंटे बीत गए, वह ट्रेन बहुत दूर चली गई होगी। यह बात सुनकर नारायण दास ने सभी संतों से कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैं बगैर अपने विठल जी को ट्रेन से उतारे खुद आश्रम आ गया, किंतु मेरे विठल जी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विठल जी मेरी वहीं प्रतीक्षा कर रहे होंगे। एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति ऐसा आत्मविश्वास देखकर वहां सभी उपस्थित संत नारायण को साथ लेकर रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े। स्टेशन पहुंचकर संतों ने स्टेशन मास्टर को अपनी सारी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर स्टेशन मास्टर ने संतों से कहा कि एक ट्रेन पिछले 4-5 घंटों से स्टेशन पर ही खड़ी है। हम सभी बहुत परेशान हैं कि बिना किसी तकनीकी समस्या के वह ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। स्टेशन मास्टर की इन बातों को सुनकर संतों को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि यह सब तो उस लीलाधर की लीला थी, और वह मुस्कुराते हुए अपने विठल जी को लेने चल दिए। ट्रेन की बोगी में पहुंचकर जब नारायण दास ने विठल जी को देखा तो ऐसा लगा मानो जैसे वह एक बच्चे की भांति बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रहे हो कि कब उनके पिता आएंगे और उसे ले जाएंगे। तब नारायण दास ने विठल जी को प्रणाम कर और क्षमा याचना करते हुए विठल जी को ट्रेन से उतार लिया। अंत में यह दृश्य देखकर सभी अचंभित रह गए। जब नारायण दास अपने विठल जी को लेकर जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरे, वैसे ही वह ट्रेन भी चल दी, जो बिना किसी तकनीकी समस्या के कारण स्टेशन पर पिछले 4-5 घंटों से खड़ी हुई थी। वहां खड़े सभी लोगों और संतों ने भक्ति की शक्ति का यह दृश्य देखकर सभी ने विठल जी के चरणों में शत शत नमन किया और आश्रम की ओर चल दिए। दोस्तों, भक्ति की शक्ति का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।